दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में केस थी तो भूरे लाल करके एक हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, उनके अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कोई राज्य अपना हिस्सा नहीं दे रहा था, मैंने कहा छोड़ दो, किसी के पैसे नहीं चाहिए। मैंने 12,000 रुपए खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड पूरा किया, पेरिफेरियल रोड। और आप चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा और दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। और श्रीनगर से निकलकर हम लद्दाख लेह जाएंगे तो लद्दाख लेह में जाने के लिए हमने छेड़मो टनल बनाई और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल 70-75% पूरी हुई। जो 12,000 करोड़ का एस्टिमेट था हमने केवल 5,500 करोड़ में बनाई, जनता के 6,000 करोड़ बचा। वहां से हम सीधा लद्दाख ले जाएंगे, लद्दाख ले से हम लोग मनाली तक आएंगे तो 8 टनल हम बना रहे हैं। फिर रोहतांग पास आपको मालूम होगा, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, अब हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में जाते हैं। अब एक दिन में सुबह निकलकर शाम तक दिल्ली वापस आएंगे, वैष्णो देवी माता का दर्शन लेंगे, फिर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया है वो भी दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से सूरत तक जाने के बाद 80,000 करोड़ का नया हाईवे का काम जोरों में शुरू है। वो है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैंगलोर, पूरे साउथ को। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम भाषण में बोलते थे बचपन में विद्यार्थी परिषद में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं तो मेरी योजना थी कि यमुना में वाटर पोर्ट बने, वाटर पोर्ट ने हवाई जहाज उतरे। मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं खुद मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में समुद्र में पानी में उतरा हूं और टेस्ट मैंने पूरी की, MPBS सी प्लेन, वाटर प्लेन। फिर मोदी जी ने कहा मुझे भी जाना, तो अहमदाबाद में हमारा जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा रिवर फ्रंट है अपनी, कौन सी नदी, साबरमती, मोदी जी वहां हवाई जहाज पानी पे उतरा, बैठे सरदार सरोवर गए, वहां से वापस आए। अब हवाई जहाज उतरने वाले वाटर पोर्ट बना रहे तालाब में, डैम में, और जहां नदी होगी वहां पानी होगा। वहां हम वो टेक्नोलॉजी ला रहे, कानून बन गया। एविएशन वाले देरी कर रहे थे, मैंने कहा जल्दी बनाओ, बोले आपके पास जैसे आता है वैसे मेरे पास भी आता है। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हो उसको मैं फ्लाइंग बोट कहूंगा, हवा में उड़ने वाली बोट, और मैं कानून बनाऊंगा, 3 महीने के अंदर बनाओ, बन गया। अब 100 ऐसे हवाई जहाज आ रहे हैं यमुना में रिवर फ्रंट पर, आप पानी में उतर के डायरेक्ट 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आकर बैठेंगे, 15 मिनट के अंदर यमुना पे वापस आएंगे, 3 घंटे में आगरा हो जाएगा।